हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आई होप यू ऑल आर फाइन. दिस इज़ क्लास 4, सब्जेक्ट साइंस. आई एम योर साइंस टीचर. ओके, चैप्टर 1 इज़ गोइंग ऑन, प्लांट्स आवर ग्रीन फ्रेंड्स. ओके स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी हैव डन पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर. टुडे वी विल डू पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर. ओके, एज यू नो डैट फर्स्ट वी विल डू वर्ड मीनिंग ऑफ पार्ट 2. ओके स्टूडेंट्स, सो what you have to do, you have to write all this word meaning in your science notebook with fair hand. आपको क्या करना है, अच्छी राइटिंग में इन वर्ड मीनिंग्स जो है वो आपको लिखनी है. ओके, और साथ में क्या करना है, आपको लर्न भी करनी है ये वर्ड मीनिंग. ओके, सो नंबर 1 इज PREPARE, प्रिपेयर. प्रिपेयर मीन्स क्या होता है, तैयार करना. ओके, नंबर 2 HEALTHY, हेल्दी. हेल्दी मीन्स स्वस्थ. SURVIVAL, सर्वाइवल. सर्वाइवल मीन्स क्या होता है, जीवित. नंबर 4 PHOTO, फोटो. SYNTHESIS, फोटो सिंथेसिस. ओके, फोटो सिंथेसिस मीन्स द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड. ओके स्टूडेंट्स, फोटो सिंथेसिस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट्स क्या तैयार करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं. ओके, नंबर 5 CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल. व्हाट यू विल रीड, क्लोरोफिल. क्लोरोफिल मींस द ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन लीव्स. एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, लीव्स में. ओके, नंबर 6 EXCHANGE, एक्सचेंज ऑफ GASES, गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होना. ओके, लेना और देना. ओके, नंबर 7 ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट मीन्स वातावरण. ओके स्टूडेंट्स, नंबर 8 UNUSUAL, अनयूजुअल. अनयूजुअल PLANTS, प्लांट्स. अनयूजुअल प्लांट मीन्स असामान्य पौधे. नंबर 9 PROMINENT, प्रोमिनेंट. प्रोमिनेंट मीन्स मुख्य. नंबर 10 THORNS, थॉर्न्स मीन्स कांटा. PRESENCE, प्रेजेंस. प्रेजेंस मीन्स मौजूद. नंबर 12 MINIMISE, मिनिमाइज. मिनिमाइज मीन्स कम करता है. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट इन प्रीवियस क्लास वी हैव डन पेज नंबर 1. ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू, पेज नंबर 2. ओके, इन पेज नंबर 2 यू हैव टू डू एक्सपेरिमेंट 1. ओके, इन एक्सपेरिमेंट व्हाट यू हैव टू डू इज लुक एट हियर, एम, AIM, एम. टू आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए लीफ सच हैज लीफ ब्लेड, स्टॉक, मेन वेन एंड साइड वेन्स. आपको क्या करना है, लीव्स के पार्ट को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है. ओके, क्या उसके लिए आपको क्या करना होगा, मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, अ फॉलन लीफ. आपको क्या करना है, एक पत्ती, गिरी हुई पत्ती को आपको उठाना है. ओके, टेक अ फॉलन लीफ ऑफ अ प्लांट और ट्री, प्लांट का हो या ट्री का हो, कैसी भी लीफ आप ले सकते हो. होल्ड द लीफ केयरफुली एंड एब्जॉर्व इट इन द लाइट. आपको लीफ को अच्छे से पकड़ना है और लाइट में उसको ध्यान से देखना है. ओके, ड्रॉ द लीफ एंड लेबल द पार्ट्स ऑफ योर ऑब्जर्व. आपको क्या करना है, ये जो ब्लैंक स्पेस है, ओके, यहाँ पर आपका जो ये ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, लीफ की ड्रॉ करनी है. ओके, और उसके पार्ट्स के क्या लिखने, नेम्स लिखने. ओके, उसके ईच एंड एवरी पार्ट जो आपने लीफ में पढ़े हैं, वो सारे पार्ट्स के नेम को आपको यहाँ पर मेंशन करना है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड.
So students, today we will do page number 3 of this chapter. Okay, let's find out. Okay, चलो हम पता करते हैं. Leaf, leaf the kitchen of the plant. Leaf क्या है? Plant का kitchen है. Plant का kitchen हमने leaf को क्यों बोला है? क्योंकि किचन में क्या काम होता है, आपके घर में जो किचन है उसमें क्या काम होता है, खाना बनाने का काम होता है, तो इसलिए लीफ जो है प्लांट का क्या है, किचन है. ओके, क्योंकि लीफ में ही खाना बनाते हैं प्लांट्स, इसलिए वो क्या हो गया, किचन हो गया. ओके, सो द लीफ ऑफ अ प्लांट इज नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस लुक एट द डायग्राम गिवन बिलो टू अंडरस्टैंड हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. अब नीचे डायग्राम दिया हुआ है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही जो प्लांट्स है वो क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज अ डायग्राम ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, तो फोटोसिंथेसिस देखो कैसा चल रहा है, सनलाइट भी है, प्लांट को सनलाइट मिल रही है. ओके, फिर और प्लांट्स के इसमें पार्ट्स भी दिए हैं. वाटर कहाँ पर जाता है, रूट में जाता है. ओके, सो आप देखोगे यहाँ पर वाटर है, ये प्लांट्स की रूट्स हैं, ये प्लांट्स में क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलता है यहाँ से. ओके, और प्लांट्स क्या कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स. ओके स्टूडेंट्स, और लीव्स और क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को प्लांट्स रिलीज करते हैं. ये प्लांट का कौन सा पार्ट है, लीफ पार्ट है, फ्लावर्स हैं. ओके, और प्लांट्स के अंदर क्या एंटर होता है, कौन सी गैस एंटर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एंटर होती है. ओके स्टूडेंट्स, ओके, डिड यू नो, क्या आपको पता है, प्लांट्स नीड मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो. प्लांट्स को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम फ्रॉम द सॉइल. ओके, ये सब चीज़ें प्लांट्स को किससे मिलती हैं, सॉइल से मिलती हैं, मिट्टी से मिलती हैं. नाइट्रोजन हेल्प्स इन मेकिंग लीव्स, फॉस्फोरस इन ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग रूट्स एंड पोटेशियम हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विच कीप्स देम हेल्दी. ओके, नाइट्रोजन जो है किस में हेल्प करता है, इन मेकिंग लीव्स, लीव्स को मेकिंग में हेल्प करता है. एंड फॉस्फोरस इन ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग रूट्स, फॉस्फोरस हेल्प करता है रूट्स को स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग करने में. ओके, एंड पोटेशियम जो होता है वो किसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, फ्रूट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, विच कीप्स देम हेल्दी, जिससे कि फ्रूट्स जो निकलते हैं प्लांट्स में वो क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड. फोटोसिंथेसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रीन लीव्स जो होती हैं क्या तैयार करती हैं, फूड तैयार करती हैं, दे प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि उस समय क्या होता है, सनलाइट भी मौजूद होती है, विद द हेल्प ऑफ वाटर, और उन्हें वाटर की हेल्प भी लेते हैं, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर. ओके, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है प्लांट्स को फूड बनाने में. ओके, सनलाइट हो गया, वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके स्टूडेंट्स, द टर्म फोटोसिंथेसिस इज कॉइंड फ्रॉम टू वर्ड्स. फोटोसिंथेसिस जो वर्ड है वो टू वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है. फर्स्ट इज फोटो. फोटो क्या होता है, PhTO, फोटो. फोटो मीन्स होता है लाइट. ओके, एंड सिंथेसिस, सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, प्रिपेयर, यानी कि बनाना, तैयार करना. ओके स्टूडेंट्स,
During this, plants produce a sugar called glucose and released oxygen gas. During this, जब ये process चल रहा होता है तो plant क्या produce करता है? Sugar को produce करता है, तो उसे बोलते हैं glucose. Okay, क्या बोलते हैं उसे? Glucose बोलते हैं. And release oxygen gas. और plants कौन सी gas को release करता है? Oxygen gas को release करते हैं. Okay students, we need oxygen for our survival. हमें जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? Oxygen की ज़रूरत होती है. Okay, when we breathe, we take in oxygen and give out carbon dioxide. जब हम breathe करते हैं यानी सांस लेते हैं जो, तो कौन सी एयर जाती है हमारे अंदर? ऑक्सीजन. और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ओके स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स डू द अपोजिट. जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है तो प्लांट्स क्या करते हैं? इसका अपोजिट करते हैं, इसका उल्टा करते हैं. दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड. वो क्या अंदर लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसे अंदर लेते हैं. एंड गिव आउट ऑक्सीजन. और वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं. ओके, दिस इज़ कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ओके स्टूडेंट्स, प्लांट्स क्लीन द एयर अराउंड अस बाई टेकिंग अवे कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन. ओके, प्लांट्स क्लीन द एयर अराउंड अस बाई टेकिंग अवे कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन. प्लांट्स जो क्या करते हैं, हमारे आसपास की जो एयर होती है उसको क्या करते हैं? क्लीन करते हैं. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है एयर में उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्या रिलीज़ करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव. अब एनिमल्स और ह्यूमन को किस चीज़ की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए? ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है. दैट इज़ वाई इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज फॉर अ हेल्दी एनवायरनमेंट. इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना चाहिए. जितने ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगाएंगे हमारे एनवायरनमेंट में उतनी फ्रेश एयर हमें मिलेगी, उतनी अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी. ओके ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ इज अनयूजुअल प्लांट्स. ओके, सम ग्रीन प्लांट्स लाइक क्रोटन अपीयर डार्क रेड इन कलर इन सम पार्ट्स. कुछ ग्रीन प्लांट्स होते हैं जैसे कि क्रोटन प्लांट है ये. ओके, तो इसका कैसा दिखता है? वो डार्क रेड कलर का दिखता है. कुछ पार्ट्स, उसके कुछ पार्ट्स जो है प्लांट के, वो कैसे दिखते हैं? डार्क रेड कलर. दिस इज़ बिकॉज दे कंटेन अ प्रोमिनेंट रेड कलर्ड पिगमेंट. ओके, कैरोटेनॉइड अलोंग विद द ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल. सिंस द लीव्स कंटेन क्लोरोफिल दे कैन अंडरगो फोटोसिंथेसिस. ओके, कुछ ग्रीन कलर्स के क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं, जैसे कि क्रोटन के जो मैंने आपको बताया उसका कुछ पार्ट जो है वो कैसा दिखता है? रेड कलर का, डार्क रेड कलर का दिखता है. ओके, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे जो हर जो ग्रीन कलर के जो उसमें पिगमेंट्स होते हैं, ओके, क्लोरोफिल के साथ साथ एक मुख्य जो मतलब होता है प्रोमिनेंट लाल रेड कलर का जो उसके पिगमेंट होते हैं वो कैरोटेनॉइड रखते हैं. ओके, इसकी वजह से उसका जो कुछ पार्ट है जो कैसा दिखता है? रेड कलर का दिखता है. ओके, क्योंकि और जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं क्योंकि उनमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है. ओके, जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की वो किस कलर की दिखती हैं? ग्रीन कलर की दिखती. क्यों दिखती? क्योंकि उनमें क्या चीज़ होती है? क्लोरोफिल होते हैं, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उनमें. ओके, इसलिए वो ग्रीन कलर की दिखती हैं. जिस और क्लोरोफिल जो लीव्स हैं उनमें क्लोरोफिल रहता है, इसकी वजह से वो क्या करते हैं? दे कैन अंडरगो फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं. ओके,
सम प्लांट्स लाइक कैक्टस हैव ग्रीन स्टेम्स एंड थॉर्न्स। कुछ प्लांट्स जैसे कि आपने देखा होगा कैक्टस का प्लांट और उसकी स्टेम जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है, उसमें कांटे लगे होते हैं। द ग्रीन स्टेम प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट। उसमें लीफ नहीं होती कैक्टस में, जो उसकी जो स्टेम होती है ग्रीन कलर की कैक्टस प्लांट की, वो क्या प्रिपेयर करती हैं, क्या बनाती हैं, प्लांट का खाना बनाती है, भोजन बनाती हैं। द प्रेजेंस ऑफ थॉर्न्स, उनमें थॉर्न्स यानी कि कांटे भी होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो किस चीज़ में काम आते हैं, मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर, वो वाटर की कमी होने से क्या करते हैं, कम रोकते हैं। ओके, इन द हॉट एंड ड्राई एनवायरनमेंट। कैक्टस कहाँ पर पाए जाते हैं, हॉट और ड्राई एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो रीड ऑल दिस पैराग्राफ्स। सो दिस मच फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।